मधुर किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ला रहे हैं घेवर। घेवर ऐसी चीज है जो हर हमारे त्योहार में बनाई जाती है। तो हम आज घेवर बनाएंगे। हम उसमें आइस का यूज नहीं करेंगे, ना ही ठंडा पानी का यूज करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि उसमें आइस का यूज किया जाता है, ठंडा पानी यूज किया जाता है फ्रिज का। मैंने नॉर्मल घड़े का पानी लिया है। तो देखते हैं हमें क्या चाहिए। हमने लिया है मैदा 2 कटोरी, घी 1/2 कटोरी, पीला कलर लिया है मैंने चुटकी भर, चाशनी के लिए लिए शक्कर, पानी और तलने के लिए भी घी लिया है। तो अभी हम देखते हैं, मिक्सर जार में हम मैदा डालेंगे 2 कटोरी। दो कटोरी मैदे के लिए 3.5 कटोरी पानी बराबर से लगता है और 1/2 कटोरी घी, पिघला हुआ घी। सब एक इसमें मिक्स कर लेंगे, कलर भी डाल देंगे और पानी गिन के डालेंगे। हाथ से मथने की जरूरत नहीं है, इसे मिक्सर जार में डाल के एक बार घुमा लेंगे तो बराबर हो जाएगा। साढ़े 3 कटोरी पानी लिया हुआ है, अभी हम ये घुमा लेंगे। हमने मिक्सर में से घुमा लिया है, ना इसे मथने की जरूरत है हाथ से, ना आइस डालने की जरूरत है। अभी हमने ये मिक्सर में से घुमा लिया है, अभी हम इसकी तैयारी करते हैं। गैस को ऑन करेंगे, फ्लेम बड़ी रखेंगे और उसके ऊपर हमने घी रखा हुआ है गर्म करने के लिए, और एक साइड में हम चाशनी बना लेंगे। अभी 1.5 कटोरी मैंने शक्कर ली है चाशनी बनाने के लिए और 1 कटोरी पानी डाला है। चाशनी के अंदर हम लेमन जूस डालेंगे, 2-3 बूंद डालना है। इससे चाशनी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। और अभी हमारा घी भी रेडी हो गया है, गर्म हो गया है। अभी हम उसमें घेवर बनाने के लिए बेटर डालेंगे। हमारा घेवर का बेटर इस तरह होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बीच में बराबर से डालना है। थोड़ा रुक के डालेंगे ताकि हमारा घी ऊपर ना आए। वापस उसी तरह किसी भी एक गोल कुछ तो भी लेंगे और उसे बराबर से अंदर छेद करेंगे। वापस हमें उसी तरह गोल डालना है। फ्लेम को बड़ा ही रखेंगे, घी ठंडा ना हो हमारा, इस बात का ध्यान रखें। चाशनी भी हमारी बनके रेडी हो रही है।
चीनी भी उसमें घुल गई है। अभी थोड़ी देर बाकी है, थोड़ी बनने में और देरी बाकी है। चाशनी हमारी बनके रेडी हो गई है। अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमें इसी तरह बनाना है चाशनी को। एक तार फ्लेम को बड़ा ही रखेंगे, घी ठंडा ना हो हमारा, इस बात का ध्यान रखना है। और घेवर के बीच में बराबर से ऐसे चाकू की सहायता से हम छेद करेंगे और इसे नीचे की ओर डिप करना है ताकि हमें समझ में आए कि हमारा घेवर रेडी हो रहा है या नहीं। ये हमें तुरंत पता चल जाता है कि घेवर रेडी हुआ या नहीं। इसी तरह हमें देखते रहना है और डब्बे के साइड से उसे निकालते रहना है। आप डब्बे में भी बना सकते हैं, अपने घर में छोटा एक बर्तन हो तो उसमें भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर डब्बे की साइज 1 किलो की है तो हमें आधा ही घी रखना है उसके अंदर। घोल बैटर डालते वक्त वो ऊपर आता है घी, इसलिए हमें डब्बे की साइज बड़ी लेना है। अभी हमारा घेवर रेडी हो गया है, हम अभी इसे निकाल लेंगे। संभाल के काम करना है क्योंकि घी बहुत गर्म रहता है। देखना है हमारी घेवर की जाली भी कितनी बढ़िया बनी है। घेवर की लहर कितनी चाहिए हमें अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 3 स्पून इसमें घेवर का बैटर डाला था, तो आपको अगर इससे भी ज्यादा ठीक चाहिए होगा घेवर तो आप और भी डाल सकते हैं। मेरा ये डिब्बा छोटा साइज का था, यानी मेरा घेवर भी छोटा बना है। आपको बड़ी साइज चाहिए तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। इसी तरह हम सारे घेवर बना के रेडी कर लेंगे साथ में, फिर बाद में इसको चाशनी पिलाएंगे। घी हमारा बहुत गर्म रहा तो घेवर बढ़िया बनेंगे और जाली भी अच्छे आएंगे। ऐसी नोकीली कोई चीज लेके बीच में बराबर से छेद करना है और साइड में उसे हटाना है। और साइड से इसी तरह छोड़ते रहना है। ताकि हमारा घेवर निकालते वक्त आराम से बाहर निकल के आए। इसी तरह उसे साइड करना है। गैस की फ्लेम बढ़ा ही रखें। दो कटोरी मैदे में 5 घेवर बन जाते हैं इसी साइज के। इसी तरह हमें सारे घेवर बना के रेडी करना है। साइड भी अच्छी तरह से
हो गए और बीच में बराबर से होल हो गए हैं। ऐसे डीप करते रहना है ताकि हमारा घेवर बराबर से फ्राई हो जाए। हमारा घेवर बनके अभी रेडी हो गए हैं, हम इसे आराम से बाहर निकाल लेंगे। डीप करने से समझ में आ जाता है घेवर रेडी हुआ या नहीं, और उसका कलर भी देखना है कि कितना बढ़िया घेवर का कलर आया है, और जाली भी बहुत बढ़िया बनी है। ऐसे ही पकड़ के रखेंगे 2 मिनट कि हमारा घी पूरा निकल जाए उसके अंदर से। घेवर रेडी हो गया है। लहर भी बहुत बढ़िया बनी है। इसी तरह हम सारे घेवर बना के अभी रेडी कर लेंगे। सारे घेवर हमारे तल के रेडी हो गए। अभी हम उसके ऊपर चाशनी डालेंगे, और चाशनी डालने के लिए हमें एक के ऊपर एक ही रखना है घेवर, ताकि ऊपर चाशनी डालेंगे तो नीचे भी चाशनी उसके ऊपर गिरे। इसी तरह हमें चाशनी को डालते रहना है सब जगह पे। इसी तरह सारे घेवर हम मीठे बना लेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट की कतरन डाल सकते हैं, सिल्वर वर्क लगा सकते हैं, मलाई घेवर भी बना सकते हैं आप। घेवर के आप सर्व करो तब इसके ऊपर आप मलाई घेवर बना के सर्व कर सकते हैं। इसी तरह हमें चाशनी को डालते रहना है और घेवर को मीठा बनाना है। ये हमारा घेवर एक रेडी हो गया है, हमें इसे साइड में निकाल लेना है ताकि दूसरे घेवर के ऊपर हम चाशनी डाल सके बराबर। सारे घेवर हमारे मीठे बन गए और हमने सिल्वर वर्क भी लगाया है उसके ऊपर, और अभी ड्राई फ्रूट कतरन डालेंगे उसके ऊपर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय।